हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था वो था एरे ऑफ स्ट्रक्चर। इस प्रोग्राम में हमने देखा था कि हम मोर देन वन स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को सेव कैसे करते हैं और उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस वन मोर प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू ऐड टू डिस्टेंस फीट इंच। तो इस प्रोग्राम में हमें दो डिस्टेंस ऐड करनी है जो फिट और इंच में दी गई हैं, एंड देन उनको हमें प्रिंट कराना है यूजिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हैस इंक्लूड stdio.h स्ट्रक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस नाम का एक हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने फीट और इंच दो वेरिएबल लिए हैं, और ये फीट जो है वो इंटीजर टाइप का और इंच जो है वो फ्लोट टाइप का है। नाउ इस डिस्टेंस स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं, डिस्टेंस वन डिस्टेंस टू, और एक डिफाइन किया गया है सम। देखिए, डिस्टेंस वन जो वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, डिस्टेंस वन को कंटेन करेगा, ऐसे ही डिस्टेंस टू जो है वो डिस्टेंस टू को कंटेन करेगा। इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करके हम किस में लाएंगे, सम में, एंड देन उस सम को हम प्रिंट करा देंगे। देखिए, इंटीजर मेन प्रिंट एफ फर्स्ट डिस्टेंस, प्रिंट एफ एंटर फीट, फर्स्ट डिस्टेंस का जो फीट है उसको आप एंटर करिए। तो देखिए हमने किस तरीके से लिखा है, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है डिस्टेंस वन उसकी हेल्प से हम फीट को एसेस कर रहे हैं। तो एट द रेट डिस्टेंस वन डॉट फीट मीन्स पहले वाले इस वेरिएबल में हमारी जो फीट है वो इनपुट हो जाएगी। नाउ एंटर इंच, तो स्कैन है परसेंट एफ डिस्टेंस वन डॉट इंच, फिट और इंच ये ऐड हो चुके। ऐसी सेकंड वाली डिस्टेंस लेंगे हम, डिस्टेंस टू, डिस्टेंस टू में पहले फिट होगा फिर दूसरा इंच होगा। नाउ अब हम अपने प्रोग्राम को ऐड करते हैं। देखिए, व्हाट इज सम, सम इज ए थर्ड वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर टाइप डिस्टेंस। तो सम डॉट फीट, सम डॉट फीट इज इक्वल टू डिस्टेंस वन डॉट फीट प्लस डिस्टेंस टू डॉट फीट एडिंग इंचेज। सम डॉट इंच इज इक्वल टू डिस्टेंस वन डॉट इंच प्लस डिस्टेंस टू डॉट इंच। नाउ सपोज दैट अगर आपका इंच जो है वो ग्रेटर देन 12 हो जाता है तो इंच को कन्वर्ट करेंगे किस में, वन फीट में, यानी 12 इंच इज इक्वल टू वन फीट। तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, देखिए फार्मूला, व्हाइल सम डॉट इंच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो यहाँ पर लिखा है सम डॉट फीट को आप एक इंक्रीज कर दीजिए, एंड देन सम डॉट इंच इज इक्वल टू सम डॉट इंच माइनस 12, इंच में से 12 कम कर दीजिएगा। नाउ जब हमारा ये पूरा कैलकुलेशन हो गया तो हम उसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट है सम ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंट डी एंड देन एफ, तो सम डॉट फीट कोमा सम डॉट इंच। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। नाउ एडिटर पर जाते हैं, जी एडिट tist.c। देखिए ये प्रोग्राम यहाँ पर बना हुआ है, स्ट्रक्चर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के दो मेंबर हैं फीट है और इंच हैं, तीन वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं डिस्ट वन डिस्ट टू डिस्ट टू एंड देन सम। यहाँ पर फीट एंटर करा ली गई है, यहाँ पर इंच एंटर करा ली गई है, यहाँ पर फिर दूसरी डिस्टेंस एंटर करा ली गई है, दोनों को जोड़ दिया गया है एंड बाद में प्रिंट करा दिया गया है। इसको सेव करते हैं एंड देन रन करके देखते हैं। कंपाइल करते हैं पहले प्रोग्राम को। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, N1 की जगह मुझे क्या लिखना है, DIST। यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, DIST एंड देन एंटर। अपने प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, अगर एरर होती है तो यहाँ पर एरर शो हो जाती है ना। प्रोग्राम को रन करते हैं, डॉट स्लैश डिस्ट DIST एंड देन एंटर। देखिए हमसे फर्स्ट डिस्टेंस जो है वो प्रोग्राम हमसे पूछ रहा है एंटर फीट। हमने कहा हमारे पास 12 फीट हैं, इंच हमने कहा 20 इंच हैं,
हमने कहा सेकंड डिस्टेंस, हमने कहा हमारे पास 10 फीट हैं और हमारे पास जो है वो 9 इंच है। एंड देन सम देखिए, सम ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 फीट 5 इंच। कैसे कैलकुलेशन हुआ, 24 फीट कैसे आया, देखिए 24 फीट कैसे आया, यहाँ पर 12 फीट था, यहाँ पर 10 फीट था, तो 12 और 10 कितना हुआ 22। नाउ 29, 20 और 9 दोनों को ऐड करेंगे 29 हुआ। अब एक फीट में कितने इंच होते हैं, 12 होते हैं, दो फीट में कितने हो जाएंगे 24, तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं इंच 29, तो 29 माइनस 24 कितने हो जाएंगे 5 इंच। बाकी जो दो फीट हमारे बने हैं वो दो फीट किस में ऐड हो जाएंगे, फीट में जाके, तो 12 और 10 22 प्लस 2 24। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम देख लिया। ये प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे मिनट एंड सेकंड का क्वेश्चन आ सकता है, आवर एंड मिनट का क्वेश्चन आ सकता है, कि दो टाइम को आपको ऐड कराना है, या आपका क्वेश्चन आ सकता है रुपए पैसे का, कि हमारे पास 50 रुपये 25 पैसे हैं, दूसरे रुपए हमारे पास 60 रुपये 75 पैसे, दोनों को ऐड करके के रिजल्ट उनका डिस्प्ले करिए। नाउ आगे देखते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज इज नथिंग बट स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, मीन्स वन स्ट्रक्चर कैन बी डिक्लेयर इन साइड अदर स्ट्रक्चर एज वी डिक्लेयर स्ट्रक्चर मेंबर इन साइड ए स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने फॉर लूप में भी पढ़ा है कि ए लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, ऐसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर है तो ए स्ट्रक्चर विद इन अनदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। आइए इस नेस्टेड स्ट्रक्चर को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन को फीड किया है। हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं, एक तो है एड्रेस और दूसरा हमारे पास एम्प्लॉय। तो देखिए एड्रेस में मैंने क्या लिया, जब हम किसी एम्प्लॉय का एड्रेस लेते हैं तो उसका सिटी को पूछते हैं, उसके पिन कोड को पूछते हैं, उसके फ़ोन नंबर को पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एड्रेस एक स्ट्रक्चर है, इस एड्रेस के जो मेम्बर हैं वो क्या है, हमारे पास सिटी है, पिन कोड है और उसका फ़ोन नंबर है। नौ दूसरा स्ट्रक्चर मैंने लिया यहाँ पर एम्प्लॉई। एम्प्लॉई स्ट्रक्चर में दो मेंबर हैं, पहला तो है नेम, उस एम्प्लॉई का नेम क्या है, और दूसरा इसके अंदर क्या है, देखिए एड्रेस। व्हाट इज एड्रेस, एड्रेस इज ए स्ट्रक्चर। तो हमने दूसरे वाले एम्प्लॉई में यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा, स्ट्रक्ट एड्रेस एड। व्हाट इज एड, एड इज ए मेंबर या एड इज ए वेरिएबल ऑफ एड्रेस डेटा टाइप, ठीक है, और ये एड्रेस डेटा टाइप कैसा है, स्ट्रक्चर। तो पहला वाला स्ट्रक्चर को दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर रहा हूँ। नाउ वर्ड मेन के अंदर आते हैं, हमने इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट किया है ईएमपी, एम्प्लॉय का ईएमपी एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। नाउ प्रिंट एफ एंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, जो भी एम्प्लॉय है उसकी इन्फॉर्मेशन को एंटर करानी है। सेकेंड मैसेज है एंटर एम्प्लॉय नेम, नेम एंटर करिए। तो देखिए नेम एंटर करने के लिए हमने क्या लिखा है, स्कैन है % एम्प्लॉय डॉट नेम। व्हाट इज ईएमपी, ईएमपी इज द वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज नेम, नेम इज द मेंबर ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। तो हम इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल से इस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। सो सेम हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एम्प्लॉय डॉट नेम को आप एंटर करिए एंड देन उसको सेव करा लीजिए। ऐसी एंटर एम्प्लॉय सिटी, अब देखिए सिटी क्या है, सिटी जो है वो एड्रेस में है, एड्रेस स्ट्रक्चर का एक यहाँ पर मेंबर है सिटी। तो ये सिटी कैसे यूज होगा, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का है, तो हम इसको सिटी को ऐसे यूज करेंगे, एम्प्लॉय डॉट एड डॉट सिटी। तो देखिए कैसे लिखा हमने, एंटर एम्प्ल॑ सिटी, स्कैन है % एम्प्लॉय डॉट एड डॉट सिटी। वॉट इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज द वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, ई एम पी इज द वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर की हेल्प से हम किसको एसेस कर रहे हैं, इस एड्रेस को। तो एम्प्लॉय यानी ई एम पी डॉट एड डॉट सिटी, इस तरीके से। ऐसी नेक्स्ट हमने पूछा है एंटर एम्प्लॉय मोबाइल नंबर,
तो ऐसे ही सेम उसको एसेस करेंगे, एम्प्लॉय डॉट एड डॉट फोन नंबर जो भी है। नाउ ये सब कुछ मैंने एंटर करा लिया, एंटर कराने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को मैंने प्रिंट कराई जो मैंने एम्प्लॉय की इनपुट की थी। जिस तरीके से इनपुट की गई उसी तरीके से ये प्रिंट भी होगी। जैसे एम्प्लॉय डॉट नेम को प्रिंट करिए, एम्प्लॉय डॉट एड डॉट सिटी को प्रिंट करिए, एम्प्लॉय डॉट एड डॉट पिन को प्रिंट करिए, एम्प्लॉय डॉट एड डॉट फोन को प्रिंट करिए। आइए देखते हैं प्रोग्राम किस तरीके से रन होता है। प्रोग्राम हमारे पास ये है stdio.h, यहाँ पर मैंने ये पूरा प्रोग्राम बना रखा है। आइए इसको रन करके देखते हैं। डिस्ट की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, n1। कंपाइल कराते हैं प्रोग्राम को, n1 एंड देन एंटर। कोई प्रोग्राम में एरर नो, नाउ रन करते हैं ./n1। सबसे पहले देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, एंटर एम्प्लॉय नेम। तो मैंने नेम यहाँ पर लिखा RAJAT रजत, एंटर एम्प्लॉय सिटी मैंने कहा मथुरा, एम्प्लॉय सिटी पिन कोड 281004, मोबाइल नंबर 9410651428 एंड देन एंटर। देखिए एंटर करने के बाद क्या है, प्रिंटिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, नेम रजत, सिटी मधुरा, पिन कोड 23, फोन नंबर 23। तो ये था हमारा नेस्टेड स्ट्रक्चर का प्रोग्राम जो कि इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के प्रोग्राम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरे में और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि जो एरे होता है वो कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का, ऐसे ही स्ट्रक्चर जो कलेक्शन होता है वो डिफरेंट एलिमेंट का कलेक्शन होता है। तो पहला डिफरेंस तो कलेक्शन को लेकर के है। दूसरा सेकंड डिफरेंस, एरे डेटा आर एसेसिंग यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स नंबर पर ही एसेस होता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर एलिमेंट आर एसेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर। थर्ड डिफरेंस, एरे एलोकेट स्टैटिक मेमोरी, स्ट्रक्चर एलोकेट डायनामिक मेमोरी। फोर्थ डिफरेंस, एरे एलिमेंट एसेस टेक लेस टाइम देन स्ट्रक्चर, वाइल स्ट्रक्चर एलिमेंट टेक मोर टाइम देन एरे। फिफ्थ डिफरेंस में आप ये लिख सकते हैं एरे का सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या है। नाउ सिक्स्थ डिफरेंस से आप लिख सकते हैं एरे का एग्जांपल और स्ट्रक्चर का एग्जांपल। तो ये था टोटली हमारा स्ट्रक्चर। आई थिंक आप इसको पूरा समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे यूनियन। थैंक यू।